हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वन सेकेंड। यू गाइस आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल बिगिनर फैंटेसी क्रिकेट। इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में थर्ड ओडीआई मैच खेला जाएगा, फोर्थ ओडीआई मैच खेला जाएगा सीरीज का। तो बात करेंगे दोनों टीमों में जो चेंजेस होने वाले हैं इस मैच में, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत सारे चेंजेस होंगे दोनों ही टीमों से, स्पेशली इंडिया से इस मैच में। चलिए गाइज, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो मेरा कल का रिजल्ट गया था, काफ़ी दिन से मैंने आपसे बात नहीं करी इस टॉपिक पर, तो मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि ड्रीम इलेवन के सिवाय आप प्लेयर स्पॉट भी खेला कीजिए। जैसे कि मैंने काफ़ी दिन बाद प्लेयर स्पॉट पे लीग ज्वाइन करी थी, यहाँ देख सकते हैं आप मेरी हिस्ट्री में केवल तीन लीग्स हैं। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ओके, तीन लीग्स हैं जिसमें से कि मेरा सेकंड वाला मैच था वेस्ट इंडीज़ वर्सेज इंग्लैंड का टी20 का, ये मैंने ज्वाइन किया था प्लेयर स्पॉट पे छोटी लीग के लिए, क्योंकि मैं केवल ग्रैंड लीग खेलता हूँ माई टीम इलेवन और ड्रीम इलेवन पे। बाकी जो छोटी लीग खेलता हूँ मैं प्लेयर स्पॉट पे खेलता हूँ। प्लेयर स्पॉट पे खेली मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी स्मॉल लीग खेली, यहाँ पे चेक स्टैंडिंग करेंगे, फर्स्ट आई है। जितनी लीग हैं यहाँ पे आप देखेंगे सभी पे मेरी रैंक फर्स्ट आई है, और किसी पे भी जो रैंक का डिफरेंस है मेरे से बाद जो बंदा था सेकेंड और मेरे बीच में देखें तो लगभग सभी में 100 पॉइंट का फ़र्क है, जो कि किसी भी फैंटेसी वेबसाइट में बहुत बड़ा मार्जिन होता है। आप लगभग सभी फैंटेसी वेबसाइट में, यहाँ पर भी देखेंगे आप, लगभग सभी के सभी लीग्स में मेरा 100 पॉइंट के डिफरेंस से मैं जीत गया एक तरफा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही कि अगर आप स्मॉल लीग्स भी खेलते हैं तो प्लेयर स्पॉट आपके लिए बेस्ट फैंटेसी वेबसाइट रहेगी स्मॉल लीग्स के लिए। बाकी ग्रैंड लीग के लिए तो माई टीम इलेवन सबसे बेस्ट है, और उसके बाद आती है ड्रीम इलेवन की बारी, क्योंकि ड्रीम इलेवन में ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है आज की डेट में। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहें डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। खैर, बात करते हैं इस मैच की। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे दोनों ही टीम के प्लेइंग इलेवन की। पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, विनिंग कॉम्बिनेशन ऑस्ट्रेलिया पहली बात तो खराब नहीं करना चाहेगी। दूसरी चीज़, एक चीज़ है इनकी, सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ। नेथन लायन क्योंकि एक अच्छा ऑप्शन अभी तक साबित नहीं हुआ है, और क्योंकि ये मैच जो है वो मोहाली में खेला जाएगा, मोहाली के लिए आपको बता दूँ पिच जो वो है एकदम सपाट पिच है, एकदम जिसको बोलते हैं डेड पिच स्पिनर के लिए, एकदम सपाट। वहाँ पे स्पिनर्स के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब टर्न है नहीं, स्पेशली ऑफ स्पिनर के लिए तो बिल्कुल भी आप समझ लीजिए टर्न नहीं है। तो लेग स्पिनर, हालांकि कुलदीप यादव जैसे प्लेयर्स के लिए तो ऑब्वियसली लेग स्पिनर है, वो तो टर्न कराए लेते हैं किसी भी प्रकार की पिच पे, लेकिन ऑफ स्पिनर के लिए बिल्कुल भी अच्छी पिच नहीं है। एक तो कारण ये है, दूसरा कारण नेथन लायन पिछले कुछ जितने भी मैचेस खेलाए गए हैं फ्लॉप रहे हैं अभी तक, और एडम जाम्पा जो कि उनके जूनियर प्लेयर हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लेग स्पिनर के तौर पे। तो मुझे नहीं लगता कि इस मैच में नेथन लायन को चांस दिया जाएगा, तो हो सकता है कि जेसन बैरनडॉर्फ को इनकी जगह टीम में स्क्वाड में प्लेइंग इलेवन में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी इनके पास एंड्रयू टाई भी अवेलेबल है। बाकी ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी टीम एक बार फिर से आपको सेम देखने के लिए ही मिलेगी। एक चीज़ और गाइस, ग्लेन मैक्सवेल का बैटिंग ऑर्डर फिर से बता दूं, मैंने पिछले मैच में भी ये बात कही थी कि फिक्स नहीं रहेगा, डिपेंड करेगा कि स्कोरबोर्ड क्या हो रहा है उस हिसाब से ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग करने आएंगे। एक्जैक्टली पिछले मैच में भी यही हुआ कि लगभग 200 रन हो चुके थे तब मैक्सवेल बैटिंग करने आ गए थे नंबर तीन पे, तो इस मैच में नंबर तीन पे नहीं आएंगे। इस मैच में पीटर हैंडकॉम, शॉन मार्श पहले आएंगे फिर आएंगे पीटर हैंडकॉम, यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा हुआ है इस हिसाब से भी नहीं आएंगे। पहले आएंगे देखिए तीन नंबर पे शॉन मार्श, फिर आएंगे पीटर हैंडकॉम, फिर आएंगे मैक्सवेल और फिर स्टोइनिस, तो ये होगा बैटिंग ऑर्डर। उसके बाद बात करें इंडिया से। देखिए, यहाँ से आप सभी को कन्फ्यूज़न होगा कि किस खिलाड़ी को लिया जाए किसको नहीं लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होने वाले इस मैच में। तो मैं क्लियरली कह दूँ कि देखिए, वैसे तो टीम मैनेजमेंट चेंज करेगा, लेकिन जो मैं चेंजेस बोल रहा हूँ वो लगभग 90% कन्फर्म यही टीम होने वाली है इस मैच की, क्योंकि मैंने जितने इंटरव्यू हुए इंडियन टीम के और जितनी भी जो नेट प्रैक्टिस की रिपोर्ट्स आई हैं, टीम्स की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनको देखते हुए, लगभग पूरा का पूरा यही चांस है जो मैं आपको टीम बताने वाला हूँ। पहले बात करते हैं ओपनिंग ऑर्डर से। देखिए, केएल राहुल, सबको पता है कि जब पिछला मैच खत्म हुआ था तो विराट कोहली से सवाल पूछा गया था, संजय बांगर ने पूछा था कि अगले मैच में क्या कोई चेंज होगा, तो विराट कोहली ने सीधे कह दिया था कि हाँ, अगले मैच में जो खिलाड़ी अभी तक बैठे हुए हैं और जो हमारे वर्ल्ड कप की स्कीम्स में हैं उनको हम टेस्ट करेंगे इस मैच में। तो सीधा ऑप्शन देखिए, सबसे पहले केएल राहुल को तो अभी तक चांस मिला नहीं है, वो भी वर्ल्ड कप की स्कीम में, तो उनको चांस दिया जाना है और बतौर ओपनर ही दिया जाना है। उसके बाद देखिए, अब अगर केएल राहुल को चांस देना है तो धवन या रोहित में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ड्रॉप होंगे रोहित, कारण यह है क्योंकि धवन की भी फॉर्म नहीं चल रही है, पिछले 6 महीने से धवन ने रन्स नहीं बनाए हैं, धवन को भी यहाँ पे चांस मिलेगा रन बनाने का। और दूसरी चीज़ जो है, जब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब मैच उसमें इंडिया की तरफ से कहा गया था कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को लेकर ही वो अगले मैच खेलेंगे। इसका मतलब साफ है कि लेफ्ट हैंड शिखर धवन और राइट हैंड को केएल राहुल इस मैच में खेलेंगे। तीन नंबर पे एज़ यूजल विराट कोहली खेलेंगे, चार पे रायडू खेलेंगे क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी इस मैच में नहीं खेलेंगे। अब चार पे रायडू खेलेंगे, अगर महेंद्र सिंह होते तो फिर ऋषभ पंत खेल सकते थे रायडू की जगह। अब धोनी बाहर गए तो पाँच नंबर पे ऋषभ पंत आएंगे, छः नंबर पे केदार जाधव, हालांकि ऋषभ पंत छः नंबर पे बैटिंग कर सकते हैं, सात पे विजय शंकर,
अगला एक चेंज होगा रविंद्र जडेजा या युजवेंद्र चहल। यहाँ पे युजवेंद्र चहल 99% चांसेस हैं कि युजवेंद्र चहल को ही खिलाया जाएगा इस मैच में। फिर आएंगे भुवनेश्वर कुमार, ये तो कंफर्म है लगभग। भुवनेश्वर कुमार सीधे सीधे मोहम्मद शमी को रिप्लेस करेंगे, पिछले मैच में इनके पैर पे चोट लग गई थी बॉलिंग करते हुए। उसके बाद आएंगे कुलदीप यादव और लास्ट में आएंगे जसप्रीत बुमराह। तो गाइस कुल मिलाकर 4 चेंजेस होने वाले इस मैच में, जिसमें से कि रोहित शर्मा आएंगे केएल राहुल की जगह, उसके बाद ऋषभ पंत आएंगे धोनी की जगह, अगला आएंगे जडेजा युजवेंद्र चहल की जगह, और बाकी भुवनेश्वर कुमार मोहम्मद शमी की जगह। चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम के बारे में। तो हमेशा की तरह से मैं एक टीम बना रहा हूँ, इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से एक से ज़्यादा टीम बना सकते हैं। देखिए गाइस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो पिच है वो बैटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, तो आप ज़्यादा बॉलर मत रखिएगा। हाँ ऑलराउंडर ज़रूर अपनी टीम में रखिएगा, लेकिन बॉलर इस मैच में ज़्यादा कंसिडर मत कीजिएगा। पिच बहुत अच्छी है बैटिंग के लिए। विकेट कीपिंग के सेक्शन में 2 ऑप्शन, ऋषभ पंत या एलेक्स कैरी। मैं जाऊँगा पंत के साथ, सबको पता है बैटिंग बैट्समैन भी बेटर हैं और बैटिंग ऑर्डर भी इनका ठीक है। एलेक्स कैरी का बैटिंग ऑर्डर नंबर 7 है। बैटिंग ऑर्डर से बात करूँ तो मैंने सबसे पहले बात मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ आपको, विराट कोहली को मैंने ड्रॉप किया है। देखिए तीनों मैच में इन्होंने रन बनाए हैं, मैंने इनको ड्रॉप किया। इनको ड्रॉप करने का कारण है कि 92% पब्लिक इनको ले रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं जो मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग बात कही, मैं माई टीम 11 और ड्रीम 11 की टीम में रिस्क थोड़ा बहुत लेता हूँ और ग्रैंड लीग की टीम बनाता हूँ। तो ग्रैंड लीग के हिसाब से मैं विराट कोहली को इस मैच में ड्रॉप कर रहा हूँ। और दूसरा, क्योंकि मुझे मिडिल ऑर्डर भी इंडिया का ट्राई करना है, तो एक एडिशनल बैट्समैन मैं इंडिया से अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मुझे एक प्लेयर कम करना था, मैंने विराट कोहली को कम किया। रोहित शर्मा मेरे हिसाब से तो इस मैच में नहीं खेलेंगे और 63% पब्लिक इनको अपनी टीम में पिक कर रही है। उसके बाद शॉन मार्श को लिया हुआ, शिखर धवन, एरोन फिंच, अम्बत्ती, रायडू। गाइस मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव तो नहीं है रायडू पे, बट स्टिल क्योंकि मिडिल ऑर्डर में 4 नंबर का या 5 नंबर के प्लेयर मुझे चाहिए इंडियन टीम से, तो मैं जा रहा हूँ अम्बत्ती रायडू के साथ। अब बात कर ले गाइस ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर से, तो ग्लेन मैक्सवेल को रखा हुआ, मार्कस स्टॉइनिस और विजय शंकर को रखा हुआ है। यहाँ पे आप चाहें तो शंकर की जगह केदार जाधव को भी ट्राई कर सकते हैं, दोनों ही एक जैसे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। बट जाधव को मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑफ स्पिनर ये जो मैच है, पिच है, अच्छी नहीं है ऑफ स्पिनर के लिए। और दूसरा, आपने पिछले मैच में देखा होगा कि कितना बुरी तरह से टारगेट किया था ऑस्ट्रेलियाई टीम ने केदार जाधव को, जिसके कारण कि बाद में केदार जाधव से गेंदबाजी ही नहीं कराई गई। बॉलिंग मिनट्स की बात करूँ तो जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस को रखा हुआ है, और लास्ट मैंने यहाँ पर रखा है भुवनेश्वर कुमार को। गाइस भुवनेश्वर कुमार का खेलना लगभग तय है, 14% ने इनको अपनी टीम में पिक किया हुआ है। बाकी यहाँ से अगर आप थोड़े से भी रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा सा भी, तो मैं आपको कहना चाहूँगा युजवेंद्र चहल को भी आप अगर अपनी टीम में ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी एक मीडियम पेसर की जगह या तो बुमराह को ड्रॉप कर सकते हैं, या तो भुवनेश्वर को ड्रॉप करके युजवेंद्र चहल या फिर कुलदीप यादव को अपनी टीम में पिक कर सकते हैं, क्योंकि चारों ही गेंदबाज इंडिया के बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। आप इनमें से किसी को भी अपनी टीम में पिक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो गाइस कैप्टन मैंने बनाया है मार्कस स्टॉइनिस को, वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूँ शिखर धवन को। इंडियन टीम से बैटिंग ऑर्डर में विराट कोहली के सिवाय इस मैच में कोई भी मुझे कैप्टन का ऑप्शन नहीं लग रहा। हाँ केएल राहुल ज़रूर है एक, तो इसके से क्योंकि दोनों ही टीम मैंने दोनों अपनी टीम में पिक नहीं किए, तो इसलिए शिखर धवन तीसरा मेरे पे ऑप्शन बचता है, उनको मैंने बनाया। और बैटिंग ऑर्डर में क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया टीम के बैटिंग ऑर्डर पे बिल्कुल भरोसा नहीं है सिवाय मैक्सवेल और स्टॉइनिस के, तो मैं इनमें से किसी एक को कैप्टन बनाऊंगा, क्योंकि स्टॉइनिस एक बेहतर ऑप्शन भी है बॉलिंग का, मतलब ऑलराउंडर आपके लिए बैलेंस कर देते हैं, इसलिए स्टॉइनिस बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कैप्टन के लिए। तो गाइज ये टीम, उम्मीद करते हैं आप इसके साथ कुछ मन कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय गाइज, बाय बाय, टेक केयर।